गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कंसेप्ट देंगे। इसका कंसेप्ट कल हमने दिए थे, कंसेप्ट दूंगा इनवर्स फंक्शन के बारे में कि सभी फंक्शन सपोज करो ये सेट ए है, सेकंड सेट ये बी है और एफ अगर फंक्शन है ए टू बी, एफ ही फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, then f inverse like this one, f inverse from b to a will exist only when this function f is 1 1 and on 2, 1 1 and on 2, that is bijective। कर किसी फंक्शन का इनवर्स सभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। सभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज हम बताएंगे इसके बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। जैसे साइन एक्स है, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन टू, दिस फंक्शन इज मेनी 1 इन टू। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं, 1 1 नहीं है उसको मेनी 1 बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको इन टू बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन एफ इज फंक्शन ऑफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स और साइन एक्स इज मैनी वन इंटू फंक्शन, मीनिंग हो गया कि दो एलिमेंट का यहां एक इमेज है, या इंटू का मतलब है यहां बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका यहां इमेज नहीं होगा, लेकिन हमको इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड तभी फंक्शन होगा जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अगर फंक्शन करते हैं एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू -1 to 1 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अगर को डोमेन का रिस्ट्रिक्शन आर को रिप्लेस करके -1 से 1 कर देंगे और एफ एक्स साइन एक्स लेंगे, ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन मतलब मेनी वन ऑन टू, 1 1 नहीं होगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, इन टू की जगह ऑन टू हो जाएगा। मीनिंग होगा यहां से इसका अगर डोमेन -1 से 1 में रखेंगे जितने भी एलिमेंट है और ये आर को रिप्लेस कर लिए, आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये जो फंक्शन होगा मेनी वन ऑन टू फंक्शन वाले। अगर फिर अगर हम करते हैं एफ इज फंक्शन फ्रॉम -π/2 to π/2, सो -1 to 1 ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 1 एन ऑन टू। अगर डोमेन और को डोमेन दोनों को मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, डोमेन को हटा करके अगर -π/2 से π/2 कर दें और को डोमेन को हटा करके -1 से 1 कर देंगे, तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन जो होगा 1 1 ऑन टू हो जाएगा। अब ये -π/2 की दूसरा भी अगर हम डोमेन को अगर ये कर लेते हैं कि -3π/2 to -π/2 -π/2 to π/2 π/2 to 3π/2 या 3π/2 to 5π/2 इस तरह से ब्रांचेस कर देंगे। अगर इसके जगह पर इसके प्लेस पर अगर हम ये भी अगर डोमेन रखेंगे -π/2 π/2 के प्लेस पर अगर हम -3π/2 to π/2 -π/2 π/2 ये भी रहेंगे तभी फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। ये
जो ब्रांचेज है ये सभी ब्रांच में डोमेन को रिमूव करके, इस डोमेन को रिमूव करके इसमें कोई भी रखेंगे तो भी ये 1-1 on 2 होगा। लेकिन अगर हम ये रखेंगे इस ब्रांच को, तो इसको रखेंगे ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मीन्स एफ इज फंक्शन का माइनस -1 साइन एक्स 1-1 on 2 होगा। तो ये जो होगा ये इसको बोले प्रिंसिपल वैल्यू, इसी फंक्शन का हमको फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब अपोजिट हो जाएगा, इनवर्स के लिए क्या होगा, अब इनवर्स क्या होगा, एफ इज फंक्शन फ्रॉम -1 to 1, इसकी जो कोडोमेन क्योंकि फंक्शन 1-1 on 2 दोनों है, तो अगर फंक्शन 1-1 on 2 अगर है तो on 2 केस में क्या होगा, इन केस ऑफ on 2 में क्या होगा कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तभी फंक्शन on 2 होगा। तो अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है तो इसका जो कोडोमेन है या रेंज जो है रेंज हो जाएगा -1 to 1 और ये हो जाएगा हमारा ये -π/2 to π/2 और ये तब इसका इनवर्स हो जाएगा। ये धारा यहां से ये फंक्शन अगर -π/2 से π/2 है और -1 से 1 है, अगर ये साइन फंक्शन है तो ये जो होगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये यहां साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन लिख देते हैं, साइन इनवर्स इज -1 to 1, ये -π/2 to π/2। अगर इसे आप ग्राफिकल देखो, ग्राफ से देखोगे इस ग्राफ, ग्राफ में जो साइन एक्स है तो ग्राफ होगा, ये होगा 1, ये होगा -1, ये π/2, ये π/3π/2 2π, ये -π/2, ये -3π/2 -2π। साइन एक्स का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब तुम आराम से देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल रूल है लाइन कि कोई फंक्शन, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के इफ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इफ द लाइन इंटरसेक्ट ग्राफ एट द टू एंड मोर देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस की कोई भी लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं और तो ग्राफ को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है, वो जो लाइन फंक्शन होगा वो 1-1 on 2 नहीं होगा। अगर साथ साथ देख लो कई पॉइंट कट कर रहा है तो दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 on 2। अगर हम बताए यहां जैसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यहां सॉरी होगी ये हो गया तुम्हारा π -π, ये है तुम्हारा -π/2, करेक्शन कर लेना ये -π/2। अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन अगर हमारा यहां से आएगा ये इस पार्ट से ये पार्ट हो जाएगा आराम से, ये जो ग्राफ होगा अगर इसको हम रिमूव कर दें ग्राफ को इस तरह से बनाएंगे,
ये पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय टू, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कर रहा है, इसमें माइनस पाई बाय से पाई बाय टू के बीच में है। अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स क्या करेंगे, इनवर्स का ग्राफ का ड्रॉ करना है, तो इनवर्स के ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। अब यहां क्या होगा देखो, ये जीरो हो गया, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया माइनस पाई बाय टू, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस वन। ग्राफ इस तरह से आएगा, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, मीन्स x एक्सिस y एक्सिस को चेंज कर देंगे। इसका जो y एक्स के जो फंक्शन ग्राफ है यहां देख लो, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ये माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, सॉरी डोमेन भी है, डोमेन हो गया माइनस वन टू वन, और रेन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। यस, ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स जो लिखो साइन इनवर्स का ग्राफ होता है। अब रिलेशन एक डेफिनेशन दिया गया होगा, हम बताए थे कि अगर ये सेट ए और बी है और ये फंक्शन अगर एफ है और ये इसका इनवर्स एफ डाइस है, ये एक्स है, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, मतलब एफ इनवर्स ओ एफ एक्स इक्वल टू आई कंडीशन कराई गई इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एन एफ ओ एफ वाई इक्वल टू आई बी इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। ये एफ है, ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिक फंक्शन है, ये भी आइडेंटिक फंक्शन है। सेम वे अगर हम लेस करेंगे यहां से कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, साइन साइन इनवर्स एक्स ये भी एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो साइन साइन इनवर्स एक्स इन एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, साइन साइन इनवर्स एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस वन। यहां ये कंफ्यूजन हम रिमूव कर लोगे कि जैसे एक्स रेज पावर माइनस वन जो रिटर्न है वन बाय एक्स लिखते हैं, इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स हो जाए, ये मीनिंग नहीं होगा। ये साइन इनवर्स सिर्फ नोटेशन है, जैसे एफ एफ इनवर्स है तो अगर ये साइन एक्स होगा तो ये इसका साइन इनवर्स एक्स होगा। सिमिलरली तो फाइनली क्या हो, सिमिलरली इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम जीरो टू पाई, एफ इज फंक्शन फ्रॉम माइनस वन टू वन टू जीरो टू पाई, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, देन एफ इनवर्स जीरो टू पाई सो माइनस वन टू वन। इसी तरह से कॉस, जिस तरह साइन का बताया गया कॉस का भी बता सकते हैं, कॉस का जो ग्राफ होगा ये इस तरह से कॉस ग्राफ होगा,
ये जीरो होगा, यहाँ वन आ जाएगा, ये पाई बाय टू होगा, ये आकर यहाँ इस जगह टू पाई हो जाएगा, समझ आओ यहां से टू। तो ये कॉस आता है, कॉस का इनवर्स, कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा, कॉस इनवर्स का डोमेन हो जाएगा जीरो टू पाई। साइन ऐसे कॉस बता दिए, अब देखो यहां से डोमेन रेंज ऑफ द इनवर्स ऑन फंक्शंस, सीरियल नंबर, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज डिस्कस हो गया। साइन एक्स का डोमेन हो गया माइनस वन से वन, रेंज हो गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का हो गया डोमेन माइनस वन से वन, ये जीरो से पाई। थर्ड में हो गया टेन इनवर्स एक्स आर, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन हो गया, रेंज हो गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये ओपन इंटरवल है बिकॉज टेन पाई बाय टू इज नॉट डिफाइंड। फोर कॉड इनवर्स एक्स आर ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। फिफ्थ में से इनवर्स एक्स आर माइनस, आर माइनस माइनस वन टू वन, रेंज हो जाए जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू, कॉस सिर्फ पाई बाय टू पर नॉट डिफाइन होगा। सिक्स में कॉस एक इनवर्स एक्स आर माइनस किस्मत माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू जीरो डिफाइन होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया डोमेन रेंज सभी त्रिकोणीय फंक्शन, जितने भी त्रिकोणीय फंक्शन वर्क फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉस एक कॉस एक सबका ये हो गया, ये डोमेन एंड रेंज है। इसको याद करने का तरीका है, इसको रूल नहीं याद करने का तरीका है, जिसमें साइन इन्वॉल्व होगा, जो साइन यहां साइन है, यहां भी साइन इनवर्स इन्वॉल्व है, यहां भी साइन इनवर्स है, सबकी जो रेंज है माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, बस डिफरेंस यहां, यहां क्लोज इंटरवल है, यहां ओपन इंटरवल है, जिसमें कॉस दिया हुआ है वहां पर यहां जीरो टू पाई, यहां जीरो टू पाई। अब नेक्स्ट देखोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम अभी एक डिस्कस करा, सिंगल डिस्कस करा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स का प्रूफ बता देंगे कैसे प्रूफ है। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इसको सपोज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया, देयरफॉर माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल थीटा सपोज कर लेंगे, माइनस माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा, एड साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एक क्लास अलग बता दी, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, देयरफॉर माइनस साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इनवर्स एक्स, सिमिलरली ये तुम्हारे लिए सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसी तरह से तुम लोग फोर्थ में कॉट का देखोगे, सेक का कॉस सेक का, ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी नेक्स्ट में डिस्कस कराएंगे।
3.1 क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फर्स्ट में गिवन है साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू सेकेंड में है कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो फर्स्ट में साइन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू फर्स्ट आंसर साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू एक्स सो माइनस वन बाय टू इक्वल टू साइन एक्स या साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू सो साइन एक्स इक्वल माइनस अब वन बाय टू साइन में साइन पाई बाय सिक्स सो इन प्लेस ऑफ वन बाय टू राइट पाई बाय सिक्स तो साइन एक्स तो साइन माइनस पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय सिक्स इज बिलोंग्स टू दिस वन एंड माइनस पाई बाय सिक्स इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय इसी बीच में बिलोंग्स कर रहा है तो ये जो होगा माइनस पाई प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स ये इसका आंसर है प्रिंसिपल माइनस पाई बाय सिक्स प्रिंसिपल वैल्यू कर लीजिए प्रिंसिपल ब्रांच में लाया जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच में लाया जाने वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे ये फर्स्ट आंसर है सेकेंड क्वेश्चन फाइंड वैल्यू टैन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू टैन इनवर्स वन प्लस कॉस माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स वन पाई माइनस करके बाहर निकलेंगे फॉर्मूला गया फॉर्मूला दिया हुआ है टी हो जाएगा तुम्हारा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय टू यहां हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू टेन पाई बाय फोर प्लस पाई कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय थ्री साइन पाई बाय सिक्स टेन टेन इनवर्स वैल्यू पाई बाय फोर हो जाएगा क्योंकि पाई बाय फोर बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू प्लस पाई ये पाई बाय थ्री होगा कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है जीरो टू पाई पाई बाय थ्री लाइव में जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू पाई बाय सिक्स इसको सॉल्व कर दोगे दैट इज पाई बाय फोर प्लस टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स एलसीएम लोगे ट्वेल्व थ्री पाई प्लस एट पाई माइनस टू पाई दैट इज इलेवन
9 बाय बाय 12 यानी 3 बाय बाय 4। इस तरह देखते हैं क्वेश्चन 6 है 1 3 1 सभी को सॉल्व करो। थैंक यू।